हमने यहाँ पर आकर के देखा तो सही मायने में यहाँ पर सरकार के आदेश का धज्जिया उड़ाई जा रही थी। हर खबर पहले आपके पास, बने रहिए द नेक्सस एकेडमी न्यूज बुलेटिन के साथ। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और स्वागत है आपका द नेक्सस एकेडमी के न्यूज बुलेटिन में। तो फटाफट देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पहले हेडलाइंस, फिर खबरें विस्तार से। एक बड़ी खबर अभी हमारे सामने आ रही है शिक्षा को लेकर। निजी स्कूलों में की जा रही है फीस को लेकर मनमानी वसूली। शिक्षा का हो रहा है व्यापार। सरकार के निर्देश के अनुसार केवल ट्यूशन फीस ही लेनी है, शुल्क में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं करनी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने ये आदेश दिया है कि झारखंड में जो स्कूल और वाहन फीस लेंगे उन पर होगी कार्रवाई। हमारे न्यूज बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें द नेक्सस एकेडमी न्यूज बुलेटिन को, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इसी तरह की अहम खबरों की अपडेट्स पाने के लिए। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार ने स्कूल खुलने तक केवल ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है, साथ ही यह भी कहा है कि इस वर्ष शुल्क में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सरकार के निर्देश के बाद स्कूलों ने ट्यूशन फीस जमा करने का नोटिस देना शुरू कर दिया है, लेकिन राजधानी रांची के अधिकतर स्कूलों की ओर से अभिभावकों को यह नहीं बताया जा रहा कि फीस बढ़ाई गई है या नहीं। स्कूल मनमाने ढंग से फीस का नोटिस भेज रहे हैं। ऐसी खबर आ रही है कि राजधानी के कुछ स्कूलों ने ट्यूशन फीस बढ़ा दी है और अभिभावकों पर बढ़ा हुआ शुल्क जमा करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। अभिभावकों की मांग है कि स्कूल अपनी वेबसाइट पर पिछले वर्ष की फीस की जानकारी उपलब्ध कराए ताकि यह पता चल सके कि सरकार के निर्देश के अनुरूप इस वर्ष फीस में कोई बढ़ोतरी की गई है या नहीं। इधर कई स्कूलों में सरकार के निर्देश के पहले ही ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस भी जमा ले ली गई थी। सरकार के निर्देश के अनुसार स्कूल खुलने तक केवल ट्यूशन फीस ही लेनी है, लेकिन स्कूलों द्वारा अपनी वेबसाइट व ऐप पर एनुअल चार्ज, स्पोर्ट्स चार्ज, लाइब्रेरी, मेडिकल चार्ज, परीक्षा चार्ज, एसएमएस चार्ज सभी को जोड़कर अपलोड कर दिया गया है। जब अभिभावक ऐप पर केवल ट्यूशन फीस जमा करने के लिए लॉगिन करते हैं तो फीस जमा होती ही नहीं है। इस कारण सभी अभिभावकों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि स्कूल की वेबसाइट और ऐप पर केवल ट्यूशन फीस जमा करने का ऑप्शन ही नहीं है। अभिभावक बहुत ही परेशान हैं। साथ ही जिन लोगों ने पहले ही फीस जमा कर दी थी उन्हें भी समायोजित नहीं किया जा रहा है। चलिए राजधानी रांची के कुछ स्कूलों पर डालते हैं एक नज़र। रांची के सन जेवियर स्कूल के अभिभावक से कहा गया है कि अगर उन्होंने अन्य शुल्क भी जमा कर दिया है तो वो समायोजित किया जाएगा, पर ऐप से केवल ट्यूशन फीस जमा नहीं हो रहा है। उसी तरह जेवीएम श्यामली स्कूल के ऐप पर अप्रैल के ट्यूशन फीस के साथ एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट फीस भी ली जा रही है, वहीं मई और जून के लिए सिर्फ ट्यूशन फीस ली जा रही है। डीपीएस में ऑनलाइन फीस पर एक मुश्त राशि की जानकारी है, लेकिन अभिभावकों को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी गई है कि केवल फीस जमा करें, पहले जमा अधिक राशि बाद में एडजस्ट की जाएगी। केराली स्कूल की वेबसाइट पर भी एक मुश्त राशि की जानकारी है। स्कूल प्रबंधक का कहना है कि केवल ट्यूशन फीस देनी है। वेबसाइट को बाहर की कंपनी ने बनाया है, इसे अपडेट किया जा रहा है। जिन अभिभावकों ने फीस के अलावा राशि जमा की है वो एडजस्ट की जाएगी। उसी तरह बिशप गर्ल्स नामकुम में ट्यूशन फीस के साथ जीएसटी व ऑनलाइन चार्ज के एवज में 100 रुपये लिए जा रहे हैं।
शारदा ग्लोबल स्कूल में ऑनलाइन फीस के अलावा सभी चार्ज ऐप पर हैं, लेकिन स्कूल में केवल ट्यूशन फीस ली जा रही है। शिक्षा का हो रहा ऐसा व्यापार कहीं से भी उचित नहीं है। मेरी सभी शिक्षा प्रबंधन से ये आग्रह है कि शिक्षा को व्यापार का माध्यम ना बनाए और इस कोरोना काल में सभी के साथ सहयोग करें। ऐसे ही अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें द नेक्सस एकेडमी न्यूज़ बुलेटिन को। नमस्कार।